किसान भाइयों, यदि आप धान की खेती करते हैं और आपकी धान की फसल की वह ग्रोथ नहीं हो रही है जो ग्रोथ आप चाहते हैं, और आप अपनी धान की फसल को वह सभी रासायनिक फर्टिलाइजर दे चुके हैं जिसकी पौधों को ज़रूरत होती है, मान लीजिए आप रोपाई के समय DAP दे चुके हैं, पोटाश दे चुके हैं, वहीं पहले यूरिया के साथ आपने फसल को जिंक सल्फर जैसे तत्व भी दे दिया है, दूसरी यूरिया के साथ भी कुछ जैसे मैग्नीशियम और फेरस सल्फेट जैसे तत्वों का भी इस्तेमाल आप कर लिए हैं, और इतना कुछ देने के बावजूद भी फसल की वह ग्रोथ नहीं हो रही है जो ग्रोथ आप चाहते हैं, फसल दबी हुई सी लगती है, भले ही आपकी फसल हरी है लेकिन फसल में वह रौनक नहीं है जो आप चाहते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आप अपनी धान की फसल को वह सब कुछ दे चुके हैं जो एक फसल को चाहिए, तो सब कुछ देने के बावजूद भी यदि धान की फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है, फसल ऊंचाई में नहीं बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करें। लेकिन जो किसान भाई अपनी धान की फसल को वह फर्टिलाइजर नहीं दिए हैं जो फसल के लिए ज़रूरी है, जैसे जिंक और सल्फर नहीं दिए हैं, केवल यूरिया ही भर दिए हैं, और रोपाई के समय DAP और पोटाश नहीं दिए हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छा होगा कि अपनी धान की फसल में जिंक सल्फर की पूर्ति करें, मैग्नीशियम की पूर्ति करें, फेरस सल्फेट की पूर्ति करें, तो इन सब चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल की ग्रोथ होने लगेगी। लेकिन जिन किसान भाइयों ने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर दिया है उसके बावजूद उनकी फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उनके लिए आज हम बात करने वाले हैं एक टेक्निकल के बारे में जिसके स्प्रे से आपकी धान की फसल की ग्रोथ चालू हो जाएगी। तो उस टेक्निकल का नाम है जिब्रेलिक एसिड 0.001% तेल, और इसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो अपने अलग अलग नाम से किसानों को उपलब्ध कराती हैं, और यह मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आपको क्या करना है कि जिब्रेलिक एसिड 0.001% किसी अच्छी कंपनी का खरीद लेना है, और इसका इस्तेमाल आप 250 ml प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके अपनी धान की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इसके स्प्रे से क्या होगा कि जो पौधे में जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है उसकी वृद्धि होने लगेगी। जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या करता है कि पौधे की वृद्धि करता है, तो इसके इस्तेमाल से तो सबसे पहला काम होगा कि पौधे की जो रुकी हुई ग्रोथ है वह चालू हो जाएगी, पौधा ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है जिब्रेलिक एसिड 0.001% का, और यह आसानी से दुकानों पर मिल भी जाता है। इसके इस्तेमाल से पौधे के जड़ का भी विकास होता है, पौधे से कल्लों का फुटाव भी अधिक होता है, और पौधा तने का मजबूत भी होता है, और यह फूल और फलों की भी संख्या बढ़ाता है, फल को कुछ दिन में ही काफ़ी बड़ा कर देता है। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है इसके, किसान अपनी लगभग सभी तरह की फसलों में इसका इस्तेमाल करके बहुत अच्छा लाभ लेते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल अपनी धान की फसल में भी कर सकते हैं। यदि आपकी फसल की ग्रोथ रुकी हुई है, आप सब कुछ दे चुके हैं अपनी धान की फसल को और फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप जिब्रेलिक एसिड 0.001% का स्प्रे 250 ml प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।